ओबीएस कहानी नंबर एक। परमात्मा ने संसार और संसारा विच हर चीज बनाई। शुरू विच परमात्मा ने संसारा री हर चीज इस तरह बनाई। तीने छे दिना विच संसार और जो कुछ तीज विच है से सब कुछ बनाया। जिवे परमात्मा ने धरती बनाई तो ते समय पूरी धरती पंदे नेरा था और से पूरी खाली थी, क्योंकि अब तक परमात्मा ने तीज विच कोई चीज नहीं बनाई रखी थी। पर परमात्मा री आत्मा पानी पंदे मंडराया करो थी। परमात्मा ने संसार बनाने रे पहले दिन बोलिया, रोशनी बनी जा, और एकदम रोशनी बनेगी। परमात्मा ने देखा कि रोशनी अच्छी है और तीजे दिन बोलिया। फिर तेथे बाद तीने रोशनी नेरे ते अलग कीती और नेरे खे रात बोलिया। परमात्मा ने संसार बनाने रे पहले दिन रोशनी बनाई। फिर दूजे दिन परमात्मा ने बोलिया, पानी पांदे एक अंतर हुई जा, और देखो पानी पांदे एक अंतर हुईगा। परमात्मा ने ऐसा अंतर आखे आसमान बोलिया। फिर तीजे दिन परमात्मा ने बोलिया, पानी एक जगह विच इकट्ठा हुई जा और सुक्की जमीन दिखने लगी जा। परमात्मा ने सुक्की जमीन आखे धरती बोलिया और पानी के समुद्र बोलिया। परमात्मा ने देखा कि जो कुछ बनाया से अच्छा है। फिर परमात्मा ने बोलिया, धरती पांदे हर तरह रे डाल बूट उग जाओ, और एड़ा ही हुआ। परमात्मा ने देखा कि जो कुछ बनाया से अच्छा है। फिर चौथे दिन परमात्मा ने बोलिया, आसमान विच अलग अलग रोशनियां बनी जाओ, और तीन ही आसमाना विच सूरज चंद्रमा और तारे बनेंगे। परमात्मा ने ये रोशनियां धरती पांदे रोशनी देने खातर दिन रात के मौसम और सालों का फर्क करने खातर बनाईया। फिर पांचवे दिन परमात्मा ने बोलिया, पानी विच तैरने वाले सारे जीव जंतु और आसमाना विच उड़ने वाले सारे पंछी बन जाओ। इस तरह परमात्मा ने पानी पांदे तैरने वाले जीव जंतु और आसमाना विच उड़ने वाले पंछी बनाए। परमात्मा ने देखा कि ये अच्छा है और तीन आखे आशीष दी। फिर छठवे दिन परमात्मा ने बोलिया, जमीना पांदे रहने वाले हर तरह के जानवर बन जाओ, और जेड़ा परमात्मा ने बोलिया तेड़ा ही हुईगा। तीनों जानवरों विच कुछ जानवर पालतू थे, कुछ जमीना पांदे रेंगने वाले थे, और कुछ जानवर जंगली थे। परमात्मा ने देखा कि जो कुछ बनाया से अच्छा है। फिर परमात्मा ने बोलिया, हाँ आदमी के अपने रूपा विच बनाऊ है, और तीने धरती रे हर जानवर पांदे अधिकार रखना। तेथे बाद परमात्मा ने माटी लेके आदमी बनाया और तेस विच जीवना रा श्वास डालिया, और से एक जीवंदा आदमी बनेगा। परमात्मा ने तेसरा नाम आदम रखा। परमात्मा ने तेसके रहने खातर एक बड़ा बगीचा बनाया और तेसके तेस बगीचे की देखभाल करने खातर बोलिया। तेस बगीचे के बीचों बीच परमात्मा ने खास डालियां लगाईया, एक जीवनारी डाली और एक अच्छे बुरे ज्ञान वाली डाली। परमात्मा ने आदमी के बोलिया कि तू बगीचे की सब डालियां रा फल खाई सको, पर अच्छे बुरे ज्ञान वाली जो डाली है तीजरा फल तू कदी भी नहीं खाया, क्योंकि जिस दिन तक तीजरा फल खाना तेसी दिन तू मर जाना। फिर परमात्मा ने बोलिया, आदमी खातर कल्ले रहना ठीक नहीं है, पर कोई भी जानवर आदमी रा जोड़ीदार नहीं बनी सकया। इस खातर परमात्मा ने आदमी गहरी नींद सुलाई था। फिर परमात्मा ने आदमी की एक पजली काटी के तेथे ज्वानस बनाई और तेसा के आदमी के लेके आया। जब आदमी ने से ज्वानस देखी तो तीने बोलिया, वाह ये तो मेरे जेड़ी है, ऐसा के ज्वानस बोलिया जाना, क्योंकि ये आदमी पिछे तो बनाई रखी। इस कारण मर्द अपने मां पापा के छाड़ के घर वाले साथ एक ही जावा। परमात्मा ने मर्द और जवान से अपने रूपा बीचे बनाए। परमात्मा ने तिनाखे आशीष दी और तिनाखे बोलिया, बहुत सारे बाल बच्चे पैदा करो और सारी धरती पंदे फैली जाओ। तेथे बाद परमात्मा ने देखा कि जो कुछ भी बनाया से बहुत अच्छा है, और से तीना सब चीजा ते खुश था। सब कुछ बनाने के बाद ये छठवां दिन हुआ। सातवें दिन परमात्मा ने से सारे काम पूरे किते जो से करने लग रहा था, और सातवें दिन आखे आशीष दी और से पवित्र ठहराया, क्योंकि तेईस दिन परमात्मा ने संसारा विच हर चीज बनाई के अपना काम पूरा किया। इस तरह परमात्मा ने संसारा विच हर चीज बनाई।